नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दिल्ली में एक बार फिर से बारिश की खबर, आपको बता दें दिल्ली तरबतर है। चंद घंटे की बारिश से दिल्ली एक बार फिर से दरिया बनी हुई नजर आ रही है। सड़कों पर जल जमाव से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में सुबह 10 बजे तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है और महीने का ये दूसरा सोमवार है तो ज्यादातर ऑफिसेज आज बंद होंगे, इसलिए पहले जैसे हालात आज दिल्ली में शायद ना हो, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद जलभराव शुरू होता है और उसके बाद शुरू होता है लंबा जाम। रात 3 बजे से बारिश हो रही है और झमाझम बारिश है दिल्ली NCR में, इसीलिए खबर यह है कि अलग अलग जगहों पर हमेशा की तरह जलभराव फिर से शुरू हो चुका है। हम लोग मौजूद हैं नई दिल्ली इलाके में मिंटो ब्रिज पर। यह रास्ता कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल से कटता है और सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट की तरफ जाता है। आगे आप देख सकते हैं, जैसा कि जब आप कनॉट प्लेस से कटते हैं तो इस रास्ते पर ढलान है और जब भी दिल्ली में तेज बारिश होती है तो नतीजा ये होता है कि आगे पूरा पानी भर जाता है। आप देखिए वहां पर जाकर के गाड़ियां स्लो हो जा रही हैं, दरअसल वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। इसकी वजह यह है कि आसपास की बारिश का ज्यादातर पानी, आप देखिए आप देख रहे हैं रोड के किनारे से, ये सारा पानी बहकर आगे की तरफ चला जाता है और वहां पर उतनी रफ्तार से पानी निकल नहीं पाता और पूरा पानी वहां पर भर जाता है। यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस रास्ते को जब तेज बारिश होती है तो इस रास्ते को बंद कर देती है। मिंटो ब्रिज के अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश के बाद ट्रैफिक पानी भर जाता है और ट्रैफिक जाम लग जाता है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि आज शनिवार है और ज्यादातर दफ्तर और स्कूल बंद है। कैमरामैन नासिर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।